इस शरीर में बहुत बार आएगा मन और मस्तिष्क, यानी माइंड एंड ब्रेन। माइंड और ब्रेन दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी मन अलग होता है और जो मस्तिष्क है वो अलग होता है। दरअसल बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाते कि मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग होते हैं। मन जो होता है उसको डिस्कवर किया भगवान बुद्ध ने, जिसको चित्त भी बोलते हैं। इसको सॉफ्टवेयर आज के समय में समझ सकते हैं, जैसे एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में जो उसका प्रोसेसर होता है, यानी जो उसकी मेन चिप्स होती है, जो मेन आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो सबसे मेन होता है, वो हमारा ब्रेन है। और जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारा मन है। किसी कंप्यूटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी भी दे दें, अच्छी बैटरी दे दें, बहुत बढ़िया उसमें चिप लगा दें, यानी आईसी लगा दें, प्रोसेसर लगा दें, बहुत बढ़िया उसमें हार्ड डिस्क लगा दें जो मेमोरी को स्टोर करे, बहुत बढ़िया उसमें सर्किट लगा दें, इनपुट और आउटपुट लगा दें, उसका माउस हो, उसके साथ में जो इनपुट और आउटपुट हैं, प्रिंटर है या माइक है या कैमरा है, वो सभी लगा दें और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना डालें तो वो काम नहीं करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कंप्यूटर यानी हार्डवेयर के डल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर और ह्यूमन हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से डिकोड किया। इसको डिकोड करने के बाद ही उनको उस पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उनको सम्यक सम ज्ञान प्राप्त हुआ, हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त हुई, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। क्या एनलाइटमेंट है? कैसे ह्यूमन काम करता है, तो उसके सॉफ्टवेयर में कैसे दुख आता है, यानी वायरसेस कैसे आते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो उसको स्लो कर देते हैं या उसको डंप कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने देखा कि ह्यूमन के वायरसेस कैसे आते हैं, कैसे वो डिलीट हो सकते हैं, कैसे वो ख़त्म हो सकते हैं, कैसे उनकी फाइल रिमूव हो सकती है। ये सारा मैकेनिज्म, सारी टेक्निक उन्होंने खुद पे ही सारी एक्सपीरियंस की, खुद को ही उन्होंने लैब बनाया और उस पेड़ के नीचे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को डिकोड किया, यानी अपने माइक्रो राइटर से, माइक्रो रीडर से उन्होंने खुद ही फाइल को लिखना और डिलीट करना सीखा। ये टेक्निक आने के बाद में उन्होंने अपने सारे दुखों की फाइल थी उनको स्टॉप किया, उनको डिलीट किया, उनको परमानेंट रिमूव किया। और इसी टेक्निक से उन्होंने फिर जो उनके अंदर दुख या वायरसेस आते थे उनको स्टॉप किया, एक फायरबॉल लगा दी, एक एंटीवायरस लगा दिया पूरे सिस्टम में, अपनी बॉडी में, जो पूरे जीवन भर कोई भी वायरस उनके अंदर नहीं आने दिया, जिससे उनका मैकेनिज्म या उनका माइंड या वो खुद करप्ट हो जाए। ये एक छोटी सी टेक्निक जो आज हम मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत आराम से बता देते हैं, भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले इसको बिना मटेरियल के अपने ही बॉडी पर एक्सपीरियंस कर सीखा, दुनिया को सिखाया और बहुत सारे लोगों को प्योर किया, उनकी करप्शन की फाइल डिलीट की, परमानेंट डिलीट की और फायरवॉल भी लगा दिया। ये सारी साइंस अभिधम्म के नाम से आज भी है, जिसको दुनिया के बड़े बड़े देश डिकोड कर समझ कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं और कंप्यूटर की सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारी जो आँखें हैं वो विजुअल्स को लेती हैं और विजुअल्स को हमारे माइंड में इम्प्लांट करती हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं। संज्ञा यानी संज्ञा जो बताया है उन्होंने, मेमोरी बताया है, और जो व्याणा बताया है, व्याणा फॉर्म ऑफ कोड का जो फॉर्मेशन होता है वो बताया है। शब्द पाली के हैं, व्याणा हैं, संज्ञा हैं या अविज्ञा है, मगर आज के समय में एक एक चीज़ सारी कंप्यूटर से, एक एक चीज़ सारी मोबाइल से मिलती है। जो स्याणे यानी जो तेज तर्रार लोग हैं वो सब इसका इस्तेमाल कर अभिधम्म का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। भगवान बुद्ध कैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के आर पार देखकर बता देते थे कि ये व्यक्ति का पहला वर्जन, यानी कि इस जन्म से पहला जो जन्म है वर्जन है, वो क्या था,
और आगे इसकी क्या पोजिशन रहेगी। ठीक आज हम वही सॉफ्टवेयर के वर्जन को देख के बता सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर का जो इंजीनियर है या साइंटिस्ट है वो लेटेस्ट वर्जन को देख के बता सकता है इसके लास्ट वर्जन में यानी पिछले वर्जन में क्या था, क्या कमी थी। सारे वर्जन एक के बाद चलते हैं, ऐसे ही जीवन एक के बाद एक के बाद एक के बाद वर्जन में चलता है। ये सारे वर्जन्स सारे जितने भी हैं ये भगवान बुद्ध ने डिकोड किए और खोले और बताए, और अपने तो उन्होंने सारे वर्जन ही देख लिए कि कैसे वो एक सेल से स्टार्ट होकर और इतने बड़े मैकेनिज्म में आ गए और कितने वर्जन्स उनके कहाँ कहाँ रहे। ये कोई कमाल की बात नहीं आज के समय में, ये सिर्फ एक साइंस है जिसको एक कंप्यूटर का इंजीनियर बहुत अच्छी तरह से जानता है। जो साउंड की हमारी वेव्स हैं वो कैसे डिटेल में चेंज होती हैं, डिजिटल लाइट होती हैं और कैसे डिजिटल फॉर्म में आकर वो हमें स्टोर करती हैं और बताती हैं, कैसे हम मुंह से बात करते हैं और कैसे हमारे अंदर के जितने भी डिजिटल कोड हैं वो वॉइस में चेंज हो जाते हैं। ठीक यही कंप्यूटर करते हैं, यही मोबाइल करते हैं। कैसे वाईफाई से कोई चीज़ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वैसे ही मनुष्य भी अपने कोड की फाइल को ट्रांसफ़र करता है वाईफाई के थ्रू। कैसे वो फाइल रिसीव करता है, कैसे फाइल आती है, कितने प्रकार के चित्त और माइंड की पोजीशन होती है, कितने प्रकार की संभावनाएं होती हैं, ये आज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय भगवान बुद्ध ने यही सिखाया, यही बताया। इसलिए भगवान बुद्ध की जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उनको सबसे बड़ा साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना किसी मटेरियल, बिना किसी इक्विपमेंट और बिना किसी सोर्स के उन्होंने इतनी बड़ी साइंस को डिकोड किया, दुनिया को बताया और सिखाया और लोगों को उसका लाभ दिया। वो चाहते तो इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का उल्टा भी इस्तेमाल कर सकते थे। बाद के लोगों ने यही टेक्नोलॉजी और यही इन्फॉर्मेशन सीखकर लोगों को भ्रमित किया और इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उल्टा करके इसका निगेटिव इस्तेमाल किया। भगवान बुद्ध ने हमेशा सम्यक किया। सम्यक का मतलब है सम्यक सम, बिल्कुल सही और पूरा, राइट और पॉजिटिव। इसलिए पूरी दुनिया ने उनको अडॉप्ट किया, उनको माना, और आज भी उनकी साइंस को, इसकी और उनकी इस टेक्नोलॉजी को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी में कहीं भी कोई भ्रम या कोई सुपरस्टिशियस पावर या कोई गॉड या कोई ईश्वर ऐसी किसी भी चीज़ का जिक्र तक भी नहीं है। ये पूरी पूरी ह्यूमन साइंस है जो माइंड के सॉफ्टवेयर और माइंड के हार्डवेयर पर काम करती है। कोई व्यक्ति अगर इसे चाहे तो चेक कर सकता है, देख सकता है। आज के समय में पूरी दुनिया में विपस्ना जो गुरुजी एसएन गोयनका जी सिखाते हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ ये प्योर फॉर्म में है। आप विपस्ना के थ्रू अपनी बॉडी को रीड करना सीख सकते हैं। माइक्रो रीडर बनना है तो आपको ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मैक्रो बनना है तो मैक्रो बहुत आसान है। 10 दिन के कोर्स में आप बहुत अच्छा अपने आप को एनालाइज करना, एनालिसिस करना, अपने आप का विश्लेषण करना, अपने आप को देखना सीख सकते हैं। इसलिए मन और मस्तिष्क यानी कि माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बिल्कुल इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए। जब हम माइंड की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो हम ह्यूमन के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं, जब हम ब्रेन की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, तो ये हमारे जो बॉडी का ब्रेन है या कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है हम उसकी बात करते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पर पूरे पूरे जीव और पूरा पूरा जो लाइफ साइंस है वो आधारित है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता, बिना मन के कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, कोई जानवर नहीं चल सकता, और बिना हार्डवेयर के कोई हार्डवेयर के या बिना कंप्यूटर की बैटरी, स्क्रीन और कीपैड और इसका जो अंदर का सामान है, बिना इसके सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। अगर सॉफ्टवेयर बॉडी से निकल जाएगा तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, और अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा या पावर नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। एक अच्छा हार्डवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर रिसीव करता है। इसी प्रकार एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड रखती है। एक टूटा फूटा खराब हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को रिसीव करने में दिक्कत महसूस करता है, प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। ऐसे ही एक बीमार व्यक्ति या एक बूढ़ा व्यक्ति सॉफ्टवेयर को यानी माइंड को होल्ड नहीं कर सकता,
और माइंड उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी छोटी सी बात है, छोटी सी साइंस है, जिसको ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध को अगर जानना है तो आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी के रिलेशन को जानिए, अपने ह्यूमन सॉफ्टवेयर और अपने ह्यूमन हार्डवेयर को रिलेशन को जानिए, आपको बुद्ध बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। हर व्यक्ति में बुद्ध होता है, हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, हर व्यक्ति बुद्ध की फिलॉसफी और नॉलेज का लाभ उठा सकता है अगर वो चाहे तो। हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं और ये नहीं देख पाते कि हम काम कैसे करते हैं। हमको लगता है कि हमने अपना हाथ अगर हवा में उठाया है तो ये नॉर्मल सी बात है। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमने हाथ ही उठाया है तो इस हाथ को हवा में उठाने के लिए कमांड किसने दिया, और ये कमांड हमारे मन में सबसे पहले कैसे आया। इसलिए भगवान बुद्ध ने पहली धम्मगाथा में कहा, मनोपुब्बंगमा, यानी मन सबसे पहले चलता है, धम्मा यानी उसका धर्म है, उसका काम है कि सबसे पहले कमांड देने से पहले यानी हाथ को ऊपर उठाने से पहले मन में ये बात आएगी कि हाथ को ऊपर उठाना है, या अगर एक उंगली आपने ऊपर उठानी है या मोड़नी है या मुट्ठी बंद करनी है या आपने पैर उठाना है या आपने झुकना है या बैठना है या कुछ बोलना है या आपने अपनी आँख की पलक भी झपकानी है, तो सबसे पहले ये बात आपके मन में आएगी। ये उसका वर्क है, ये उसका काम है। कैसे आती है, क्यों आती है, किस कारण से आती है, ये और भी ज़्यादा गूढ़ रहस्य है, गूढ़ साइंस है, ये और भी ज़्यादा डीप साइंस है, जिसको भगवान बुद्ध ने अभिधम्म के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कैसे मन में आता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो कारक हैं, कौन से वो कारण हैं जो मन को बनाते हैं। यानी मन अगर है तो उसे बनाने का कारण भी तो होगा। सॉफ्टवेयर हम जो बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें हम फीडिंग करते हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो बहुत सारे जो रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, वो उनको अपने आप ही चेक एंड बैलेंस करता है और अपने आप ही वो फाइल लोड कर लेता है, उसी के हिसाब से एक्ट करता है, जैसे हमारा रोबोट है। हम भी बहुत अच्छे 5 करोड़ साल में बने हुए मशीन और रोबोट हैं। हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से सबसे हाईएस्ट लेवल पर हैं, इसलिए हम 1 सेकंड में वो 1000 बात कर जाते हैं जो अभी कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाती है, कर लेगी देर सवेर। जब हम बनाएंगे एंड में, यानी एंड जो होगा इसका, तो हम पाएंगे कि हमने जो रोबोट बनाया है वो हमारे जैसा ही है, हम खुद ही हैं, क्योंकि नेचुरल साइंस में और आर्टिफिशियल साइंस में कोई अंतर नहीं है। लॉजिक और लॉ, कारण और उसका जो परिणाम है, वो भगवान बुद्ध ने सेम बताया है। यानी कि कारण और परिणाम, यानी कि जो रीजंस हैं या जो कॉज है और जो उसका रिजल्ट है, वो मटेरियल के गुण के आधार पर चलता है, वो नहीं बदलता। चाहे मशीन है, चाहे ह्यूमन है, चाहे एनिमल है, चाहे वो नेचर है, चाहे अर्थ है, चाहे प्लेनेट है, चाहे यूनिवर्स है, जो कॉज है और जो इफेक्ट है, जो कॉज है, जो रिजल्ट है, वो मैटर के गुण के ऊपर और उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर सेम रहता है, कभी नहीं बदलता है। इसलिए इसको स्पष्ट जान लें कि मन अलग होता है और मस्तिष्क अलग होता है। आपने अगर और ज़्यादा अच्छी जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल Team22 या मेरे नाम के साथ में आप YouTube पर खोजें, आपको बहुत सारी वीडियोस में मिलेंगी। धन्यवाद।